नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के बारे में। हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड बेसिकली एक एफएमसीजी का प्रॉक्सी प्ले है, यानी कि बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज के लिए ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, यानी कि उनके बिहाफ पे उनके प्रोडक्ट्स ये बनाती है और ये लोग लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और उनको माल सप्लाई करते हैं। बेसिक्स देखते हैं पहले स्टॉक के। 1200 करोड़ की कंपनी है, 570 का प्राइस है करीब। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। एक जो इंटरेस्टिंग फिगर है वो है इनकी सेल्स ग्रोथ, जो कि 115% है लास्ट 3 साल में, यानी कि ये हर साल अपनी सेल्स को डबल से भी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ हम समझेंगे कि किस तरह से सेल्स अपनी बढ़ा रहे हैं, लेकिन पहले चलते हैं हम इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे और देखते हैं कि इनकी सेल्स कितनी बढ़ गई है और किस रफ्तार से अपनी सेल्स को बढ़ा रहे हैं। तो अब हम आ गए इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। हम देख सकते हैं कि मार्च 2017 में केवल 20 करोड़ की सेल्स ये लोग करते थे और आज की डेट में जो लेटेस्ट रिजल्ट्स थे इनकी सेल्स है 200 करोड़ से ऊपर, 207 करोड़ की। तो आप समझ सकते हैं मार्च 2017 यानी कि करीब 3 साल हो गए हैं मार्च 2020, हालांकि रिजल्ट एक क्वार्टर पहले के हैं, लेकिन हम मान लेते हैं 3 साल में इन्होंने अपनी सेल्स को 10 गुना कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी कितने अच्छे परफॉर्म करी है। इसने 25 करोड़ की सेल्स के एवरेज से सीधा 50 करोड़ पे पहुंच गए और फिर ये यहाँ पे आके आप देख सकते हैं 100 और अब ये 200 करोड़ की रेंज में पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी सेल्स ग्रोथ हो रही है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं इनकी जनरली सेल्स ज़्यादा रहती है बजाय कि और क्वार्टर्स में, तो थोड़ा सा सीजनैलिटी इफेक्ट भी है। अगर हम प्रॉफिट्स या मार्जिन्स की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जनरली 5%, फिर 8%, फिर 7%। तो अब हमने देखा है इनकी जो मार्जिन्स है वो जनरली अप्रॉक्सीमेटली 7%, 7.5%, 7.5% के पास आके स्टेबलाइज हो रही है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं ये कंपनी की मार्जिन्स अराउंड 7 to 7.5% रहने की उम्मीद है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में भी हम देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला है जैसे जैसे सेल्स बढ़ी है और नेट प्रॉफिट भी उसी रेशो में बढ़ा है। तो आइए अब पहले समझते हैं इनका बिज़नेस मॉडल क्या है और ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो इनकी सेल्स केवल 3 साल में 10 गुना हो गई है। तो ये हमें पता चलेगा कंपनी के बिज़नेस मॉडल से बारे में। तो हम शुरू करते हैं कंपनी का बिज़नेस मॉडल। बेसिकली ये कंपनी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये गोवा में इनका प्लांट था या इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी और ये 1984 में ये कंपनी फाउंड हुई हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड के नाम से और ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली कंपनीज यानी कि अगर हम केवल फूड वाले आइटम्स की बात करें जो इनिशियली करते थे, तो जैसे कि रैकेट बेनिक्सर, इस तरह की कंपनीज, फेरेक्स, तो इस तरह की जो कंपनी थी डेनोन, मेरिको, रैपकेटोस, इन लोगों को जो भी खाने के रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे जैसे कि सीरियल्स हो गए और जैसे कि बेबी फूड हो गए, वो लोग जाते थे हिंदुस्तान फूड्स के पास कि आप हम लोगों के बिहाफ पे बनाइए, मैन्युफैक्चर करिए और ये लोग इनसे ख़रीद के अपने लेबल्स लगा के यानी कि अपनी मोहर, अपनी ब्रांड चिपका के उसको बेचते थे। ठीक है, इसी तरह से कारोबार चल रहा था और बहुत समय तक चलते रहा, लेकिन 2013 में वैनिटी केस ग्रुप ने क्या करा कि हिंदुस्तान फूड्स में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा, यानी कि उन्होंने 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी खरीद ली और जो उनका इनिशियल यानी कि पहले ये किसके हाथ में था, डेम्पो ग्रुप ऑफ गोवा के हाथ में था ये कंपनी और अब ये किसके हाथ में चली गई, वैनिटी केस ग्रुप के हाथ में चली गई। और जब से वैनिटी केस ग्रुप के हाथ में कंपनी गई तब से कंपनी में हमने देखा है कि बहुत ही अच्छा एक्सपेंशन हुआ है 2013 के बाद और इन्होंने काफ़ी सारी एफएमसीजी कैटेगरीज में मैन्युफैक्चरिंग लगाई है जैसे कि फूड एंड बेवरेजेस में, होम एंड पर्सनल केयर में, फैब्रिक केयर में, लेदर प्रोडक्ट्स में। अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्लांट्स कहाँ कहाँ पर हैं तो आप देख सकते हैं कंपनी के फिलहाल 6 मेजर प्लांट्स हैं। एक प्लांट गोवा में, ये प्लांट जो है आप देख सकते हैं एक्सट्रूडेड सीरियल्स बनाता है और जो ब्रांड्स इनको या क्लाइंट्स हैं इनके वो ब्रांड्स हैं फेरेक्स, फर्स्ट फूड एंड ईजम। जम्मू में ये लोग रैकेट बेनिक्सर के लिए
पेस्ट कंट्रोल, यानी कि कॉयल्स, वेपराइजर, एरोसोल्स, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं मच्छर भगाने के लिए जो कॉयल्स बनती हैं और जो वेपराइजर बनते हैं वो लोग ये बनाते हैं। और ये कौन सी ब्रांड के लिए बनाते हैं? मोर्टीन ब्रांड। और ये इनकी जो यूनिट है ये पूरी ही इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड यूनिट है। उसके बाद हम चलते हैं अगली अगली यूनिट है इनकी पुडुचेरी में। पुडुचेरी में ये लोग जो शूज़, अपर्स फॉर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन बनाते हैं। और ये किन ब्रांड्स के लिए बनाते हैं आप देख सकते हैं, जोमोज, गैबोर, हश पपीज़, यूएस पोलो, बाटा। तो अगर आप इन सब ब्रांड्स को जानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों के जूते पुडुचेरी में बनते हैं। और ये बनाने वाली कंपनी कौन है? HFL, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। तो हमने कहा था कि बेसिकली ये एक फूड कंपनी ना रह के अब एक ये FMCG कारोबार हो गया है। इसमें आपको बाटा, यूएस पोलो जैसी कंपनी भी मिलेंगी, रैकेट बैनेक्सर जैसी पेस्ट कंट्रोल या मोर्टीन ब्रांड वाली चीज़ें भी मिलेंगी। मुंबई में जो इनकी फैसिलिटी है वो भी शूज़ बनाती है फॉर मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। और इनकी जो कंपनीज हैं वो आप देख सकते हैं, एस्पेरेट, सैक्स फिफ्थ एवेन्यू, ड्यून, मिंत्रा, लॉलीपॉप, फ्लिपकार्ट, तो ये सभी कंपनियां इनसे शूज़ लेती हैं। कोयम्बटूर में इनकी एक और फैसिलिटी है जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को डेडिकेटेड है। और यहाँ पे ये चाय कॉफ़ी बनाते हैं, जो भी इनकी ताजमहल टी हुई, लिप्टन हुई, ब्रू हुई, थ्री रोज़ेस, तो ये सभी ब्रांड्स आपने सुनी होंगी। ये सभी कौन बना रहा है? हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड बना रहा है और HUL के लिए बना रहा है। बेसिकली हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड तैयार करके HUL को देता है, HUL अपनी मोहर, अपनी ब्रांड उस पर चिपकाता है और बेचता है। हाल ही में एक और नई यूनिट ये एक्वायर कर रहे हैं जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर की है। और यहाँ पे ये डिटर्जेंट पाउडर और लिक्विड सोप्स बनाएंगे। तो ब्रांड्स कौन सी होंगे? रिन, व्हील और सर्फ एक्सेल। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी फेमस ब्रांड्स के साथ ये कंपनी अपना कारोबार कर रही है। इसमें से बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी हैं कि जो आप सभी लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर रहे होंगे। तो ये कंपनी का पोर्टफोलियो एक FMCG जैसा पोर्टफोलियो है, इसमें मल्टीपल FMCG कंपनीज का बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये केवल प्रोडक्शन करते हैं, उनकी खुद की ब्रांड नहीं है, तो क्या हम इन्हें एक FMCG कंपनी जैसी वैल्यूएशन देखते हैं? ये क्वेश्चन इनके ऊपर रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमने देखा कि इनके 6 प्लांट्स थे, ये सबके लिए बना रहे थे, लेकिन इनका जो मॉडल है वो अलग अलग होता है। बेसिकली अभी इनका जो 60% रेवेन्यू है वो उनका सबसे मेन जो मॉडल है उसको हम कहते हैं OEM मैन्युफैक्चरिंग। 60% रेवेन्यू इससे ही आता है। और जब ये हैदराबाद यूनिट HUL के लिए चालू हो जाएगी, जो अभी हमने अभी बात करी थी, HUL के लिए जब ये पाउडर यानी कि व्हील, रेन, इस तरह के पाउडर जब ये बनाने लगेंगे, कपड़े धोने वाले पाउडर, तो इनका यही रेवेन्यू 90% तक चला जाएगा। कौन से मॉडल से? जिसको हम कहते हैं OEM मैन्युफैक्चरिंग। OEM मैन्युफैक्चरिंग को समझने के लिए बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि कंपनी जैसे कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड HFL कोई नई ग्रीन फील्ड कैपेसिटी यानी कि खुद से एक नई कैपेसिटी या एक नई फैक्ट्री लगाएगी और वो HUL के साथ टाई अप करेंगे कि वहाँ पे हम आपके ही प्रोडक्ट्स बनाएंगे आपकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। केवल प्रोडक्शन आप हमें दे दीजिए जिससे कि आपको लेबर और ये सब का कुछ भी आपको प्रॉब्लम ना हो, हम सब चीज़ देखेंगे लोकली, बाकी आप हमारा माल लेके आप अपने नाम से बेचिए। बेसिकली मैं आपका एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हो गया। अगर हिंदी में हम समझना चाहें तो जिस तरह से हम कहते हैं कि हमने अगर कोई मकान बनवाना है और हम ठेके पे दे देते हैं, तो ये उस तरह का काम है। तो बेसिकली हमने देखा कि ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को एक्वायर करते हैं या सेटअप करते हैं। बेसिकली हम कुछ रीजंस में ऐसा भी होता है कि HUL के पास अपनी फैक्ट्री है तो HUL हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड को बुलाएगा, इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि आप मेरे बिहाफ पे इस फैक्ट्री में माल बनाइए और सब कुछ आपका, आपका मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, जो भी खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, वो सब आपका, लेकिन मैं आपका माल खरीदूंगा और आपको एक फिक्स्ड मार्जिन दूंगा। तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन होगा, आपका मैनेजमेंट होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा उसका लेआउट, उसका डिज़ाइन, वो दोनों की कंसल्टेंसी से होगा, ठीक है। और मैं आपका माल खरीदूंगा और आपको एक फिक्स्ड परसेंटेज का प्रॉफिट भी दूंगा। और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। बेसिकली ये 8-10 साल, 7 साल, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज किया और कल तोड़ देंगे।
इसमें दो मॉडल्स होते हैं, एक है डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है एंकर टेनेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे हमने बात करी, जैसे एचयूएल के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप किसी और के लिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे। लेकिन जो दूसरा मॉडल होता है जिसको हम एंकर टेनेंट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, वो बेसिकली कंपनी का जो गोवा वाला प्लांट है वो इस कैटेगरी में आता है। इसमें जो होता है कि बेसिकली दो तीन कंपनी मिलके एक प्लांट पे अपने प्रोडक्ट्स बनवाती हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि एक कंपनी के लिए आप मेजर बना रहे हो, यानी कि रैकेट बेनिक्सर के लिए हम मेजर बना रहे हैं और साथ ही साथ डेनोन ने कहा कि आप हमारे लिए भी बनाइए, तो रैकेट बेनिक्सर भी एग्री करता है, क्योंकि कंपनी चलने में जो कॉस्ट आती हैं, ओवरहेड्स आते हैं, वो डेनोन भी शेयर करता है। तो दोनों ही कंपनियों को ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। तो सेम ही फैक्ट्रीज में दोनों का अलग अलग माल मिल रहा है, हालांकि रैकेट बेनिक्सर ही मेजॉरिटी बना रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं एंकर टेनेंट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि जहाँ पे हमने बात करी, जैसे ये लोग शूज़ बनाते हैं, तो मल्टीपल कंपनीज इनसे अपने शूज़ बना रही है, जैसे US पोलो भी बनवा रही है, हश पपीज भी बनवा रही है, और इस तरह मल्टीपल कंपनीज अपने जूते इन्हीं से बनवा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनवा रहे हैं। ये सीजनल होता है बेसिकली, कि जब भी हश पपीज़ या बाटा की फैक्ट्री में हम कह सकते हैं कि ज़्यादा डिमांड है, वो अपनी फैक्ट्री में नहीं बनवा पा रहे हैं, तो वो सीजनली कहेंगे कि आप हमें बना के दीजिए कुछ दिन तक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पे मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं इनके और हर किसी को ये बना के देते हैं। प्राइवेट लेबल्स में क्या करते हैं, प्राइवेट लेबल्स में ये खुद ही प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं और लोगों से कहते हैं आप अपने लेबल लगा के इनको बेचिए। तो जो भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो हिंदुस्तान फूड्स HFL ही करेगी। डेवलप्ड बाय द कंपनी विल बी बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव रिसर्च एंड टेस्टिंग मेथड, प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशन, पैकिंग भी यही करेंगे, ब्रांडिंग भी ये करेंगे, ब्रांड स्टाइलिंग सोल्यूशन, यानी कि वो बताएंगे इस तरह से आप इसको ब्रांड कर सकते हैं। तो बस आपका लेबल लगेगा, बाकी सब हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड करेगा। तो ये तीन मॉडल है, लेकिन इसमें मेन जो हमें समझना है वो है OEM मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि कंपनी का जो 90% रेवेन्यू है अब वो इसी से आएगा। ठीक है, तो ये हमने कंपनी का मॉडल समझा है। अब हम चलते हैं कि कंपनी ने किस तरह से अपने रेवेन्यूज को इतनी जल्दी इतना फास्ट बढ़ाया। तो HFL ने पहले ही शेयर कर दिया था जब उन्होंने एक्वायर की थी कंपनी को डेम्पो ग्रुप से, तब उन्होंने कहा था कि हम इसको 1000 करोड़ के रेवेन्यू तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और तब उनका जो रेवेन्यू था वो काफ़ी कम था, वो हम लोगों ने देखा भी था। तो उन्होंने कहा था कि 20x by 2020, यानी कि उस समय जब जिनका 40 अराउंड 50 करोड़ का रेवेन्यू था, तभी उन्होंने कह दिया था कि हम 2020 तक इसको 1000 करोड़ का कर देंगे, यानी कि 20 गुना कर देंगे। ठीक है, तो 2013 से 16 तक उन्होंने क्या करा, पहले जो गोवा में कैपेसिटी थी, एक सिंगल कैपेसिटी थी, उसको 3000 टन से 6000 टन पर एनम ले गए। उन्होंने डेनॉन के साथ और दूसरी कंपनी के साथ इस तरह से अपने कॉन्ट्रैक्ट्स करे। कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग फॉर कुरकुरे, पेप्सिको, मार्को। ठीक है, तो 2013 से 16 कंपनी ने गोवा प्लांट पे फोकस करा और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स ऐड करे। 2017 में उन्होंने रैकेट बेनिक्सर के साथ मोर्टीन ब्रांड के लिए, आप पढ़ सकते हैं, मोर्टीन ब्रांड के लिए 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा। मोर्टीन के सभी प्रोडक्ट्स इस वाली फैसिलिटी में बनते हैं और केवल एक ही कंपनी के लिए बनाते हैं, ये रैकेट बेनिक्सर के लिए, और इस कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स जम्मू वाली फैसिलिटी में ऑन बिहाफ ऑफ रैकेट बेनिक्सर हिंदुस्तान फूड्स बना रहा है। साथ ही साथ इन्होंने पुडुचेरी में लेदर फैक्ट्री भी ली और इन्होंने ये पॉन्ड्स एक्सपर्ट लिमिटेड को खरीद लिया HUL से, जो कि HUL के अंडर आती थी उस समय, और इन्होंने बहुत सारी ब्रांड्स के लिए फिर जूते भी बनाने शुरू करे, जैसे कि TBS, गैबोर, रिक्टर, US पोलो, स्टीव मैडन, हश पपीज, एरो। तो इन सब के लिए जो भी लेदर प्रोडक्ट्स, जनरली शूज़, वो भी इन्होंने बनाने शुरू करे। 2018 में इन्होंने कोयम्बटूर में बेवरेजेस के लिए फैक्ट्री लगाई। ये ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन था और ये वाला जो एक्सपेंशन था किसके लिए करा इन्होंने, HUL के लिए। जैसे कि जम्मू में इन्होंने जो करा वो रैकेट बेनिक्सर के लिए करा है और कोयम्बतूर में जो करा है वो HUL के लिए करा है। यहाँ पे HUL के जो भी टी, कॉफी और सूप के प्रोडक्ट्स है वो सभी इस फैसिलिटी में बनते हैं। 2018 में एक और इन्होंने शू यूनिट खरीदी मुंबई में, जहाँ पे इन्होंने मल्टीपल ब्रांड्स के लिए प्रोडक्शन करा।
साथ ही साथ ग्रुप ने अपना प्रोसेस बिगिन कर दिया हैदराबाद यूनिट के लिए, यानी कि जो HUL की हैदराबाद यूनिट थी जो कि हमने कहा डिटर्जेंट पाउडर बनाती थी रिन व्हील और सर्फ के ब्रांड के अंदर, वो भी अब इसमें मर्ज होने की तैयारी होने लगी। 2019 में कंपनी ने 40% स्टेक खरीद लिया ATC बेवरेजेस लिमिटेड में, और ये कंपनी बेसिकली जूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब बनाती थी। ठीक है, तो हमने देखा ये किस तरह से इनऑर्गेनिक ग्रोथ कहते हैं, यानी कि दूसरी कंपनी के साथ मिलके या तो उनका मर्जर करके या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनकी फैक्ट्रीज़ को लेके, और वो रेवेन्यूज़ अब क्योंकि ये अपनी बैलेंस शीट या अपने प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो इस वजह से हमने देखा कि इनके रेवेन्यूज़ इतनी जल्दी 3 साल के अंदर कितने हो गए, 10 गुना हो गए, 10x हो गए। तो ये वो रीज़न है, ये वो चार्ट है जो आपको समझना है कि किस तरह से कंपनी ने इतनी जल्दी 10 गुने रेवेन्यूज करे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वहाँ पे हमें पता लगेगा कि क्या क्या इनकी कहाँ कहाँ फैक्ट्री और कितनी है उनकी कैपेसिटी है। गोवा में हमने बात करी, बेसिकली ये फूड प्रोडक्ट्स के लिए इनकी फैसिलिटी है, यहाँ पे जो इनकी 6000 टन की कैपेसिटी है, एक्सट्रूजन कैपेसिटी और ड्राई मिक्स ब्लेंडिंग कैपेसिटी 1000 टन। पुडुचेरी जहाँ पे ये लोग शूज़ या लेदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं 5 लाख पेयर ये बना सकते हैं और शू अपर्स बना सकते हैं 7 लाख पेयर। उसी तरह से जम्मू में जो फैक्ट्री है जो कि इनकी रैकेट बेनिक्सर के लिए, वहाँ पे ये जो कॉयल्स होती हैं जो कि हम कॉयल्स जलाते हैं मच्छर भगाने के लिए, वो 1200 मिलियन पर एनम बनाते हैं। वेपराइज़र जो कि आप लोगों ने यूज़ करे होंगे घर पे मच्छरों के लिए, 43.2 मिलियन। एरोसोल्स 7.2 मिलियन। मुंबई की फैक्ट्री में भी सैंडल्स 1 मिलियन, शूज़ 0.37 मिलियन। तो ये फैक्ट्रीज़ की इनकी फ़ोटो हैं। कोयम्बतूर में भी ये टी कॉफ़ी एंड सूप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये HUL के लिए बनाते हैं। मैसूर में जो इन्होंने हाल ही में एक कंपनी एक्वायर की है ATC बेवरेजेस लिमिटेड, वहाँ पे भी ये सॉफ्ट ड्रिंक जूसेस एनर्जी ड्रिंक्स बना रहे हैं। इसकी कैपेसिटी है 5.84 मिलियन। और ये लास्ट इनकी हैदराबाद फैसिलिटी जो कि HUL के लिए डिटर्जेंट बना रही है, और ये रिन व्हील सर्फ ब्रांड्स को सप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली HUL की ये ब्रांड्स हैं, और ये पूरी तरह से हिंदुस्तान फूड्स ही सब इन फैक्ट्री को चलाएगा। तो और ये कब तक होगा हमारा, Q2 FY 20 तक। तो जैसे ही ये मर्ज हो जाएगा, जो टर्नओवर है बेसिकली आप देख सकते हैं 252 करोड़ का टर्नओवर था इस फैक्ट्री का, यानी कि जो यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहे हैं FY 19 में। तो जैसे ही ये मर्ज होगा तो FY 20 यानी कि इस साल के जो रेवेन्यू आएंगे उसमें ये हम देखेंगे कि इस वाली फैक्ट्री के भी रेवेन्यूज जो कि 252 करोड़ के हैं वो ऐड हो जाएंगे। Q1 की बात करते हैं तो 78 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि एनुअल 300 करोड़ जैसा तो केवल इस फैक्ट्री से ही कंपनी ऐड कर लेगी। साथ ही साथ कंपनी प्लान कर रही है कि वो 150 करोड़ रुपए और लगाएंगे, जिसमें कि वो होम केयर लिक्विड और शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और फेज़ वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ अंडर नियर कंप्लीशन एंड फेज़ टू इज़ एक्सपेक्टेड बाय Q2, यानी कि Q2 FY 20 से कंपनी को एक्सपेक्ट है कि ये वाला जो 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और कंपनी Q3 FY 20 से यहाँ पे कमर्शियली प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। तो बेसिकली ये फैक्ट्री से इनका बहुत ही तगड़ा रेवेन्यू आया है लास्ट कुछ क्वार्टर्स में। हालांकि Q3 FY 20 में जो इनका ये प्लांट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अभी और भी रेवेन्यूज बेटर आ सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं क्वार्टरली अराउंड 200 करोड़ जैसा रेवेन्यू कर रहे हैं, इसको ही अगर हम इनटू 4 करते हैं तो कंपनी ने 800 करोड़ जैसा रेवेन्यू FY 20 या FY 21 तक अचीव किया है। तो मैनेजमेंट ने जो कहा था वो अचीव किया, ये अपने आप में दिखाता है कि मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट। लेकिन ये स्टोरी हमने देखा कि 3-4 साल पहले जो चली थी, और इसके बाद ये स्टॉक ने भी बहुत ही अच्छा रनअप दिया था, और अब हमें देखना है कि कंपनी फिलहाल में क्या कर रही है। बेसिकली कंपनी क्या कर रही है उसमें हमें एक चीज और जानने की जरूरत है कि कंपनी ने रिसेंटली कुछ मर्जर और डीमर्जर अनाउंस किए थे। तो बेसिकली कंपनी का कहना यह है कि हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड से कंपनी डीमर्ज कर रही है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस को कोयम्बटूर वाले को, और कोयम्बटूर का जो बिजनेस है इनका एवलॉन कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनी है
एवलॉन कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड ACPL के नाम से, एवलॉन कॉस्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड को ये डीमर्ज कर रहे हैं और कंपनी में अमलगमेट कर रहे हैं, यानी कि मिला रहे हैं एक और कंपनी को जो कि है ATC बेवरेजेस। ATC बेवरेजेस जिसमें हमने देखा था इन्होंने 40% स्टेक खरीदा था, उसको ये पूरी तरह से अब अमलगमेट कर रहे हैं HFL में। अगर हम बात करते हैं एवलॉन कॉस्मेटिक्स की, तो एवलॉन कॉस्मेटिक्स बेसिकली इनके लिए शावर जेल, हेयर ऑयल, फेस वॉश, स्किन क्रीम, टेलकम पाउडर, बेबी केयर, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, फैब्रिक क्लीनिंग, इस तरह की चीज़ें बनाते हैं और केवल 1.5% का रेवेन्यू इनसे आता है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। तो ये छोटा सा हिस्सा है जिसको ये लोग अलग कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग की, तो इनके कॉमन डायरेक्टर्स हैं वैनिटी केस का, इसमें करीब 22.98% हिस्सा है वैनिटी केस, वो प्रमोटर्स जो कि HFL के भी प्रमोटर्स हैं, तो प्रमोटर्स भी कुछ हद तक सेम है। और ATC बेवरेजेस भी सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, एनर्जी ड्रिंक, कार्बोनेटेड ड्रिंक, फ्रूट जूसेस, ये सब बनाती है, लेकिन इसका कोई कॉमन डायरेक्टर नहीं है। और HFL के पास इनकी कितनी हिस्सेदारी है अभी, 45.4%। तो ये प्रोसेस अभी कंपनी में चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस प्रोसेस में क्या शेयर्स का मर्जर होगा, क्या डीमर्जर होगा, तो एक शेयर ACPL का आपको मिलेगा फॉर 0.755 शेयर्स ऑफ HFL। सिमिलरली फॉर 16,222 शेयर्स ऑफ ABPL आपको क्या मिलेगा, एक शेयर ऑफ HFL। तो ये दोनों ट्रांजेक्शन्स होनी है अभी और कंपनी मर्जर डीमर्जर कर रही है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रमोटर्स ने रिसेंटली 27,77,799 वारंट्स इशू किए हैं, और ये वारंट्स इन्होंने इशू किए हैं 360 रुपीज़ के प्राइस पे। तो ये अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 100 करोड़ रुपीज़ आते हैं। इसमें से 25 करोड़ का पेमेंट उन्होंने कर दिया है, 75 करोड़ का पेमेंट अभी पेंडिंग है। तो हम देख सकते हैं कंपनी बहुत सारे बिजनेसेस पहले खरीदते हैं, मर्ज करते हैं, फिर उन्हें मर्ज करते हैं, कहीं डीमर्ज करते हैं, कंपनी प्रमोटर्स ने वारंट्स इशू करे हैं फॉर न्यू फैक्ट्री या न्यू सेटअप। तो बेसिकली बहुत सारी इंटरनल ट्रांजैक्शंस इस कंपनी में हो रही हैं, और ये एक बस एक अकेली चिंता की बात है इस कंपनी में, कि कंपनी में बहुत ही सारी इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो रही है जो कि कई बार बहुत ही ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, और जो रिटेल निवेशक होते हैं वो कई बार समझ नहीं पाते हैं इन ट्रांजैक्शंस को। अदरवाइज़ ये कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, मैनेजमेंट ने जो कहा वो उन्होंने कंप्लीट करके दिखाया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनीज के साथ, और लंबे समय में ऐसा नहीं है कि रेवेन्यू की विजिबिलिटी नहीं है, अगले 6-7 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं तो रेवेन्यू की विजिबिलिटी भी है, बैलेंस शीट पे भी ज़्यादा डेट नहीं है, और जो डेट होता है वो भी जनरली इन्होंने जो हैदराबाद फैक्ट्री है उसके लिए लिया है, और यहाँ पे एग्रीमेंट्स इसी तरह के होते हैं कि HUL इनको पेमेंट करती रहेगी करस्पॉन्डिंगली, कि इनका इंटरेस्ट यानी ये सर्विस कर सकें, यानी कि अपनी डेट का पोर्शन चुका सकें और साथ ही साथ ब्याज भी चुका सकें। तो कंपनी में और कोई चिंता की बात नहीं है। अगर हम प्राइस की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत ही ज़्यादा शूट अप करा था, हमने देखा था ये 100 रुपीज़ से 2016 में करीब 700-750, तो 7 गुना ये शेयर हो गया था करीबन 3-3.5 साल में। तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था अब, लेकिन ऐसा लगता है कि कंपनी के रेवेन्यूज़ में एक स्टेबिलिटी आएगी और प्रॉफिट्स भी स्टेबल होंगे। तो अगर हम लोग टेक्निकली भी देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि अराउंड 360 के अराउंड यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। लास्ट जो गिरावट आई थी वहाँ पे यहीं पे ही सपोर्ट लिया था। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को इस कंपनी में एक्युमुलेशन करना है तो ये एक अच्छा एक्युमुलेशन जोन होगा जो 365 से 380 के बीच होगा। और अगर आपको लगता है नहीं इतना आना मुश्किल है, तो आप लोग इसको अराउंड 470 के अराउंड यहाँ पहला सपोर्ट है जहाँ पे आप इसमें इनिशियल बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बेस्ट केस सिनारियो में कहता हूँ तो 365 से 380 के लेवल्स, ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे बहुत कंफर्ट
आता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोमोटर्स ने भी 360 पे वारंट्स इशू करे हुए हैं अपने आप को 100 करोड़ रुपए के। तो 360 वो प्राइस होगा अराउंड इस रेंज में, जहाँ पे हमें टेक्निकली भी सपोर्ट दिख रहा है मल्टीपल, और प्रोमोटर्स ने भी यहाँ बाइंग करी है, तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस होगा। हालांकि इस प्राइस तक ये स्टॉक जाएगा नहीं जाएगा अभी थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन मुझे लगता है वेट करना सही होगा, जल्दबाजी करना सही नहीं होगा स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक में जो वॉल्यूम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आप देखेंगे कि मल्टीपल लोअर सर्किट्स लगते हैं, मल्टीपल अपर सर्किट्स लगते हैं। स्टॉक सीधा 750 से आप देख सकते हैं 380 पे आके रुका, यानी कि हाफ हो गया था विद इन अ स्पैन ऑफ 4 वीक्स। तो एक महीने में स्टॉक आधा हो गया था, और उसके बाद 380 के बाद सीधा ऊपर वो 600 प्लस पे जाकर रुका दोबारा से। तो काफ़ी तेज़ इसमें चाल होती है, वॉल्यूम्स कम होते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको थोड़ा सा रुक के इसमें अराउंड इस लेवल पे ख़रीदारी करनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।